Hey everybody, welcome here. इस बार हम ये फोटो एडिट करने वाले हैं और एडिटिंग कैसी होगी ये आप लोग थंबनेल में ऑलरेडी देख चुके हो। इस फोटो को हम ऐसा करने वाले हैं। अब इस फोटो को एडिट करने के लिए सबसे पहले हम इसको करेंगे ब्लैक एंड वाइट। सो फर्स्ट गो टू टूल्स, फिर ब्लैक एंड वाइट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस हैं, सब कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर लो। जैसे मेरी फ़ोटो पर मुझे ये वाला कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा लगा, डार्क और रेड वाला। ऑलराइट, सो वी विल गो विद दिस। अब बढ़ते हैं हम अपनी फ़ोटो एडिटिंग के थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है फ़ोटो के बैकग्राउंड को ब्लैक करना। उसके लिए हमने एक फ़ोटो पहले ही डाउनलोड करके रखी है। अब करना क्या है, टूल्स पे जाकर डबल एक्सपोज सेलेक्ट करना है, फिर गैलरी में से उस ब्लैक कलर के फ़ोटो को सेलेक्ट करके उसकी ओपेसिटी को 100% कर देना है। अब इस पर क्लिक करो, व्यू एडिट्स पर जाओ, डबल एक्सपोज में स्टैक ब्रश को सेलेक्ट कर लो। अब जहाँ जहाँ भी फिंगर रब करोगे ब्लैक कलर अप्लाई हो जाएगा। अब हम इसमें बालों को थोड़ा ठीक करेंगे। उसके लिए टूल्स में जाना है, ब्रश सेलेक्ट करना है। अब ये जो डॉज एंड बर्न है इसे -10 करके फिजा दो सर पे, जहाँ जहाँ ये अप्लाई होगा वहाँ वहाँ पर बाल डार्क हो जाएंगे। अब मेरे चेहरे पर ये जो दाग दिख रहे हैं इन्हें हटाना है। इन्हें हटाने के लिए टूल्स में जाकर हीलिंग ब्रश सेलेक्ट करो और जूम करके जेंटली बस क्लिक कर दो, अपने आप हट जाएगा। बस कुछ फिनिशिंग रह गई है, जैसे कि हम ये कर सकते हैं। और ब्रश को लेकर इसे +10 करके
So we are done with this. Thank you and bye bye.